नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए और जो स्टॉक बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो फ्राइडे के सेशन में जो हमने क्लोजिंग दी है वो दी है 32,170 के आसपास हमने क्लोजिंग दी है। फ्राइडे का जो हमने हाई लगाया था वो लगाया है 32,622 के आसपास का हाई लगा के हमने यहाँ पे आके क्लोजिंग दी है। अब जरा चार्ट पे ध्यान से देखिए तो चार्ट पे ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारे पास एक 32,000 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। ये सपोर्ट आपको मिल सकता है 31,900 से 32,000 के बीच में हमें ये सपोर्ट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी अगर ध्यान से देखेंगे तो पिछली तीन बार हमने इस सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से हमने बाउंस बैक किया, फिर से हम यहाँ पे आए, फिर हम यह ऊपर गए, फिर हम यहाँ पे आए, फिर से हमने बाउंस बैक लिया है, फिर हम आके यहाँ पे तीसरी चौथी बार हम यहाँ पे इसको टेस्ट कर रहे हैं। पहली बार हम यहाँ पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड और ये फोर्थ बार आके हम टेस्ट कर रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत क्रिटिकल लेवल है हमारे लिए 32,000 और 31,990। 31,990 के नीचे की क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी पे सीधा 30,050 के पास लेके आएगी और यहाँ पे जो कैंडल है आपको बनती हुई दिखेंगी वो काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई दिखेंगी। ये कैंडल छोटी छोटी कैंडल नहीं बनेगी, यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कैंडलें बनती दिखेंगी और आप देखेंगे यहाँ पे आपको शायद 2 या 3 दिन के अंदर में ये हमें 1,500 से 1,800 पॉइंट का करेक्शन होगा। लेकिन वो कब होगा? जब हम 31,900 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। बाउंस बैक लेने के लिए सबसे अच्छी जगह बैंक निफ्टी पे यही है, क्योंकि पिछले 3 बार हम यहाँ से बाउंस बैक ले चुके हैं। तो अगर हम इस बार अगर बाउंस बैक लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है हम वापस फिर कहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट जो रजिस्टेंस है 34,000 के आसपास हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बस थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे क्या है, ये जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस ट्रेंड लाइन को निकालेंगे। देखिए, ये सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा, सपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये बाद में पता चलता है। पहले हमें क्या देखना है कि हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है कि अगर हम 31,900 के नीचे जाएंगे तो क्लियर कट हो जाएगा, उसके नीचे अगर हमने क्लोज कर दिया तो ये क्लियर है कि बैंक निफ्टी फिर नीचे की साइड में जाएगा। हो सकता है कि ये मंडे के सेशन में इंट्राडे के दौरान हो सके 31,900 जाए, 31,850 जाए और क्लोजिंग आके वापस कहीं 32,000 के आसपास कर दे, यानी फिर से सपोर्ट ले ले, लेकिन उसके नीचे क्लोज करेगा तो ये क्लियर है कि यहाँ से आपको 1,200 से 1,500 पॉइंट का करेक्शन दिखेगा। ऊपर जाते वक्त अगर इसका सपोर्ट लिया या नहीं लिया ये हम कब मानेंगे? जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका होगा। देखिए, ब्रेक डाउन कब होगा? जब 31,900 के नीचे क्लोज करेगा। सपोर्ट हम कब मान लेंगे कि सपोर्ट इसने ले लिया? जब ये इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा, यानी ये मान के चलिए कि 32,550 के ऊपर ये क्लोज करेगा तो हम ये मानेंगे कि हाँ, अब इसने ये 32,000 वाला जो लेवल था ये इसके लिए वापस फिर से ये सपोर्ट का काम कर रहा है और इसके ऊपर निकलने के बाद हम यहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये मेक एंड ब्रेक वाला लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, यानी डू एंड डाई बैंक निफ्टी, यहां पे करो या मरो। ये कैसी सिचुएशन बैंक निफ्टी बनी है कि अगर इसके नीचे ब्रेक करके चलेगा तो बहुत तेजी से गिरावट आपको देखने को मिलेगी और ये फॉल बहुत तेज होगा। हाँ, ऊपर जाते वक्त जरूर हम धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि ऊपर हमारे पास रजिस्टेंस है, इस ट्रेंड लाइन का हमें रजिस्टेंस है। जब तक हम इस रजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप ये मत मानिएगा कि बैंक निफ्टी 32,000 का सपोर्ट ले चुका है। इस बीच में जो आपके ट्रेड बनेंगे वो छोटे छोटे ट्रेड बनेंगे, बड़े ट्रेड और बड़ा प्रॉफिट आपको यहां बनेगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो अगर ये 31,900 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो समझ जाइएगा कि ऑप्शन में आपको पुट साइड में एक बड़ा पैसा यहाँ पे बन सकता है। और अगर ये 31,900 के नीचे क्लोज कर देता है और अगले दिन जो भी हाई लो लगा हुआ है उसके लो के नीचे ट्रेड करेगा तो भी यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी पर नजर बना के हमें रखनी है ये 32,000 वाले लेवल को। अगर बाउंस बैक करना है तो शायद ट्रैप करने के लिए पहले यहाँ पे 31,900 के नीचे जाए, इंट्राडे के दौरान वापस आके 32,000 के ऊपर क्लोज करे और फिर इस ट्रेंड लाइन के पास जाए। अगर इस मूव में ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता है, मान लीजिए ये मूव करता है, वापस आता है 32,500 32,550, तो इसको सस्टेन नहीं करता है और वापस जब यहाँ से आएगा तो बिना रुके ये बहुत तेज़ी से जाएगा। तब जो इसकी स्पीड होगी, इस स्पीड से काफ़ी तेज़ स्पीड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में नज़र हमें कहाँ पे बनानी है? 32,550 और नीचे की तरफ 31,900। ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। उसके पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए तो बैंक निफ्टी इसी तरह के पैटर्न यहाँ पे बनाते हुए चल रहा है। अगर यही पैटर्न कंटिन्यू यहाँ पे फॉलो करता है, ये देखिए यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस यहाँ से ये ऊपर की साइड में निकल चुका है, तो इस तरह से ये मूवमेंट अभी कर रहा है। तो अगर अगला मूव, इसके दो तरीके से मूव हो सकते हैं, या हो सके फिर से ये इसी तरह का एक पैटर्न यहाँ पे बनाते हुए आपको दिखेगा। पहले हम इसी हाई के आसपास तक सोचेंगे, या फिर अगर इसको ब्रेक करेगा तब फिर यहाँ से आपको इस तरह की मूवमेंट, ये नीचे की साइड में ये मूवमेंट होती हुई आपको दिखेगी, फिर नीचे का ये
कप विद बैज ये कप बनते हुए आपको यहाँ पे एक दिख सकता है। जो सपोर्ट बनेगा वो फिर यहाँ पे 30,500 के आसपास का ही बनेगा बैंक निफ्टी में। अब मैं बैंक निफ्टी का थोड़ा सा आवरली चार्ट एनालिसिस करता हूँ, तो आवरली चार्ट पर भी ध्यान से देखेंगे। पिछली बार हम कई बार इसी जगह पे आके सपोर्ट ले रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक घंटे 32,000 के नीचे ट्रेड कर गए, यानी एक आवरली कैंडल आपको 32,000 के नीचे की क्लोजिंग करती है, तो समझ जाइएगा काफ़ी तेज डाउनफॉल आपको इंट्राडे के दौरान में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कम से कम एक कैंडल जो आवरली कैंडल है वो 32,000 के नीचे यहाँ पे क्लोज करे बैंक निफ्टी में। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हमें किस तरह से कल हम ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ध्यान रखिएगा मंडे के सेशन में ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो वहाँ पर वेट करेंगे। मान लीजिए अगर ये मंडे के सेशन में इसी रेंज में कहीं पर ओपन होता, ध्यान रखिएगा इसी रेंज में कहीं पर ओपन होता, ये रेंज हमारी है 32,150 से लेकर के 32,320-330 वाली रेंज है। अगर हम इसी रेंज में कहीं पर ओपन होते हैं और 150 को ब्रेक करते हैं, तब तो ये है कि हम 32,000 के पास तक आ सकते हैं। जो पहला हमारा सपोर्ट मिलेगा वो 32,000 के आसपास में मिलेगा। इसी फ्लो में अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हमारा जो अगला लेवल इंपॉर्टेंट होगा वो होगा यहां पे 31,870 का। ये दो लेवल के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं अगर हम इसी रेंज में ओपन होते हैं। तब की बात कर रहा हूं, रेंज में ओपन होकर अगर हम ऊपर की साइड में यहां पे 32,320 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हम यहां पे बाइंग कर सकते हैं। 32,400 का हमारा पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट यहां पे होगा हमारा 32,500 के आसपास का, और तीसरा टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 32,600 का। तो ये तीन टारगेट हमारे ऊपर की साइड में रहेंगे अगर हम रेंज के अंदर में, इसी रेंज के अंदर में ओपन होके ऊपर या नीचे की साइड में निकलते हैं तब। अब मान लीजिए हम कल गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कल हम क्या करते हैं कि 200-250 पॉइंट हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं 32,000 के आसपास में, इस लेवल के आसपास में कहीं हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं 200 पॉइंट, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। पहले बात तो पहली 5 मिनट की कैंडल को देखिए कि वो क्या कर रही है। प्राइस एक्शन में पहले 5 मिनट की कैंडल को ध्यान से देखिए, अगर वो कैंडल इतनी गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी ग्रीन बनती है और अगली कैंडल भी यहाँ पे ग्रीन यानी उसकी हाई के ऊपर ट्रेड करने की तैयारी करती है, तो आप पहले 5 मिनट की कैंडल का ही लो का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए पहली कैंडल बनी, अगली कैंडल इसके ऊपर जैसे निकलेगी इसी कैंडल के लो का आप ऐसे लगा के इसको बाइंग कर सकते हैं। या फिर अगर नीचे की साइड में देखना है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे की साइड में आपको एक रेंज बनने दो 32,000 से लेकर के नीचे, जो भी 100 पॉइंट 50 पॉइंट की एक रेंज बनाता है। मान लीजिए कि 32,050 से लेकर के 31,900 की एक रेंज बनती है, उस रेंज को अगर हम लोअर साइड में अगर ब्रेक करता है ट्रेड करेंगे तो यहां पे बड़ा पैसा आपको ऑप्शन में बनेगा, ऑप्शन में आपका बड़ा पैसा बनेगा, क्योंकि ये मूवमेंट जो होगी वो काफी फास्ट मूवमेंट होगी। हां, ऊपर जाते वक्त ये जो मूवमेंट होगी वो स्लो होगी, लेकिन फिर अगर इसी रेंज को बनाने के बाद हम ऊपर की साइड में निकलते हैं तो पहला टारगेट हमारा जो क्लोजिंग हमारी है वो होगा और दूसरा टारगेट हमारा होगा यहां पे 32,320 का, जो ये रेजिस्टेंस बना रहा है बैंक निफ्टी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे ऊपर की साइड में 320 पर, इस पे नजर बना के रखनी है। और रेंज बनने के बाद में अगर नीचे को ब्रेक करता है तो काफी अच्छी मूवमेंट आपको नीचे देखने को मिलेगी। अब उसके साथ में हमें ध्यान ये भी रखना है कि जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट हैं वो किस तरीके से यहां पे ट्रेड कर रहे हैं जब बैंक निफ्टी नीचे या ऊपर जा रहा है तब। दोस्तों अगर आप भी हमारा फ्री प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स या अलायंस ब्लू में से किसी एक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आप उसी में ट्रेड कीजिए और उसका लॉगिंग आईडी जो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिए, जिसके हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। हम अपने प्रीमियम ग्रुप में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी ऑप्शन के, बैंक निफ्टी के और निफ्टी के पोस्ट करते रहता हूँ, स्टॉक्स के लेवल भी वहाँ पर पोस्ट करते रहता हूँ, बैंक निफ्टी ऑप्शन और बैंकिंग के चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए, सीखिए और फिर उस पर ट्रेड भी आप ले सकते हैं। ये आपके अपनी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं अपनी रिसर्च वहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ, आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ आप सीख जरूर सकते हैं। अगर आप हमारी फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन की, तो उसके लिए आपको हमारे लिंक से जो आपने अकाउंट ओपन किया उसी में आप कंटिन्यू ट्रेड करेंगे, जब आपका नंबर आएगा तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी हमारे 8वें और 9वें बैच चल रहे हैं, जिस बैच में 900 लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आप भी नेक्स्ट बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके उसी में एक्टिव होकर आपको ट्रेड करना है। अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। पहला स्टॉक हमारा AU बैंक, यहां पे एक रेंज के अंदर में फंसा हुआ है, तो जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा, ऊपर की तरफ जो रेंज है वो मान के चलिए कि 980-982 है और नीचे की तरफ की जो रेंज है वो 900 है, इस रेंज को ऊपर या नीचे किसी साइड में ब्रेक करेगा तो आपको 70-80 पॉइंट की मूवमेंट ये बैंक देते हुए दिखेगा। एक्सिस बैंक
यहाँ पे नजर बना के रखिए। अब ये 600 के 700 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आज के लो को ब्रेक करता है, आज का लो मतलब जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक करता है 680 के नीचे ट्रेड करेगा, तो इसका टारगेट 670 और 665 के टारगेट के लिए इसे आप ट्रेड कर सकते हैं। बंधन बैंक कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की साइड में ब्रेक कर चुका है, तो इसको आप सेल कर सकते हैं मंडे के सेशन में। जैसे ही लो ब्रेक करे 280 इसको सेल कीजिए, 275 के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। फेडरल बैंक कुछ नहीं करना है, वेट कीजिए। यहाँ पे HDFC बैंक ये इंपॉर्टेंट है, इस पर नज़र बना के रखिए। इसके लिए 1350 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो लेवल अभी यहाँ पे जो ट्रेड कर रहा है, ये जो 1380 का लेवल है, पिछले 7-8 दिनों से इस लेवल को ये होल्ड कर रहा है। अगर ये 1380 ब्रेक करता है तो ये 1350 आएगा, और 1350 आने का मतलब कि ये बैंक निफ्टी को अकेला ही 200-250 पॉइंट नीचे की तरफ खींच के लेके आ सकता है। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा मंडे के सेशन में HDFC बैंक पे। दोस्तों अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। लगभग 1,08,000 मेंबर वहाँ पे जुड़े हैं, तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। अगला स्टॉक्स हमारा ICICI बैंक। इसके लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 580-585 के आसपास है। अगर ये इसके नीचे ट्रेड करेगा तो इसमें भी गिरावट 560-540 तक आ सकती है। IDFC फर्स्ट यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। इंडसइंड बैंक देखिए, रेंज बनाने के बाद इसने रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया। जैसे मैं दो चीज़ें आप लोग को बता रहा था कि अगर ये 960 के ऊपर निकलता है तो ये 1020 के आसपास तक जा सकता है, और अगर इसने नीचे 900 को ब्रेक किया तो वापस ये 800-820 के लेवल के पास में आएगा। तो ये सेल के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक। तो यहां पे आप फोकस बना के रखिएगा, जैसे ही लो को ब्रेक करे इसको सेल कीजिए। यहां पे पहला टारगेट हमारा होगा 880 का और दूसरा टारगेट 870 का होगा इंडसइंड बैंक में इंट्राडे के लिए। कोटक बैंक सपोर्ट लेवल के आसपास है, इसको थोड़ा सा वेट करेंगे, 1680 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। PNB अभी कुछ नहीं करना है, RBL बैंक में भी कुछ नहीं करना है, वेट करना है। SBI का रिजल्ट ध्यान से देखिएगा, जैसा कि मैंने ऊपर रेजिस्टेंस ऑलरेडी बनाया हुआ है और आप लोग को हर वीडियो में बताता हूं कि 375 के ऊपर क्लोज करेगा तभी आपको 385 और 395 की मूव यहां पे मिलेगी। नीचे की साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है यहाँ पे 345 और 350 के बीच में एक सपोर्ट इसको मिलेगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर टारगेट यहाँ पे 320 का टारगेट निकल के आएगा SBI में। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।